चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक है एवोमीटर। एवोमीटर को हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि एवो जो है इसमें ए से एम्पियर बनता है, वी से वोल्टेज और ओ से ओम, यानी कि इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल करंट चाहे एसी हो डीसी हो, दोनों ही मेजर किए जाते हैं। इस वजह से क्योंकि ये मल्टीपल फंक्शन कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए हम इसको मल्टीमीटर कहते हैं। जो एवोमीटर है उसका जो फंक्शन डायग्राम है वो बड़ी आसान सी है, उसको हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ये एक्ट करता है। तो फंक्शन डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एफ एस, इसका फंक्शन स्विच है। फंक्शन स्विच जो है वो अगर यहाँ पे इस डायग्राम में एक्स वन के साथ ये टर्मिनल फंक्शन स्विच अटैच हो तो उस वक्त ये वोल्टेज को मेजर करेगा, उस वक्त ये एक्ट करेगा एज ए वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के, इसलिए उस वक्त हम इसको वोल्टमीटर कह सकते हैं। और अगर फंक्शन स्विच को एक्स वन के बजाय एक्स टू के साथ अटैच कर दें उस वक्त ये करंट को मेजर करेगा और उस वक्त ये बिहेव करेगा एज ए एमीटर। और अगर फंक्शन स्विच को एक्स थ्री के साथ अटैच कर दें तो उस वक्त ये रेजिस्टेंस को मेजर करेगा और उस वक्त ये एक्ट करेगा एज ए ओहमीटर। अब ये किस तरह से एक्ट करता है इसको हम मजीद पढ़ते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर है। वोल्टेज मेजरिंग पार्ट में हमने पढ़ा फंक्शन स्विच को अगर एक्स वन के साथ अटैच कर दें तो उस वक्त ये वोल्टमीटर के तौर पर एक्ट करता है। हमें पता है किसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस उसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो इसके क्रॉस में कुछ ना कुछ वोल्टेज तो लाजमी होगा अगर ये सर्किट क्लोज है। तो अगर आपने इस वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करना है, यहाँ पे इस सर्किट के क्रॉस कितना वोल्टेज है, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे। वोल्टमीटर को किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, ये लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं। और वोल्टमीटर को हम बनाते कैसे हैं, गैल्वेनोमीटर जो है उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें। क्यों करते हैं ये भी हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। अगर गैल्वेनोमीटर के क्रॉस में एक के सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें उस वक्त गैल्वेनोमीटर जो है वो एक्ट करेगा एज ए वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर बनाने का तरीका क्या होता है, हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में क्या करें, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें। तो अगर आप फंक्शन स्विच को एक्स वन के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये वोल्टमीटर के तौर पे बिहेव कर रहा है। ये एक्चुअली बेसिकली एवोमीटर गैल्वेनोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है और गैल्वेनोमीटर जो है वो उसमें एक्ट कर रहा होता है एज ए वोल्टमीटर, एज ए एम्पियर मीटर, एज ए ओहमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को अगर आप एज ए वोल्टमीटर के तौर पे यूज कर रहे हैं तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में क्या लगाते हैं, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये इसका एक एंड जो है फंक्शन स्विच का एक्स हो गया, दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर के एंड को हम वाई कह देते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, लेट्स से अगर आपने 5 वोल्ट का वोल्टमीटर कनेक्ट करना है तो हमें पता है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है, आप एक स्विच यूज करते हैं जिसे रेंज स्विच का नाम देते हैं, आर एस, रेंज स्विच। अगर आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आर वन को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो उस वक्त ये वोल्टमीटर बन जाएगा। ये वोल्टमीटर 5 वोल्ट का वोल्टेज मेजर कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उससे आप ऐसा वोल्टमीटर बनाएं जो 5 वोल्ट वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज की वैल्यू मेजर कर सके, लेट्स से आप 15 करना चाह रहे हैं तो आप रेंज स्केल को आप 5 की बजाय किसके साथ कनेक्ट कर दें, लेट्स से आप इसको रेंज स्विच को यहाँ पे 15 के साथ कनेक्ट कर देंगे, उस वक्त ये वाला जो पूरा सर्किट होगा वो उस वक्त गैल्वेनोमीटर उसके साथ सीरीज में आर टू जो है या आर वन, ये बेसिकली क्या है, हाई रेजिस्टेंस, ये सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो ये इस वक्त गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्टमीटर में। तो आप इसकी मदद से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, उस वक्त एवोमीटर एज ए वोल्टमीटर के तौर पर बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप इसको क्या करते हैं, इसको 50 के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त ये बिहेव करेगा, 50 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। और अगर आप इसको मजीद इसकी रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप क्या कर दें, ये जो रेंज स्विच है इसको 150 वोल्टेज वाली रेजिस्टेंस के साथ अगर आप R4 के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये 150 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। तो रेंज स्विच की मदद से आप वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके उसको अपनी मर्जी की किसी भी रेंज वाले वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस वक्त ये एज ए वोल्टमीटर के तौर पे एवोमीटर एक्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसको इसका करंट मेजरिंग पार्ट अगर आप वो यूज करना चाह रहे हैं तो रेंज स्विच जो है उसको एक्स टू के साथ कनेक्ट कर दें। रेंज स्विच को एक्स टू के साथ हमने पढ़ा है वो कनेक्ट करें तो वो एज ए एमीटर के तौर पे एक्ट करेगा। तो आप फंक्शन स्केल को अगर आप
एक्स टू के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये इस वक्त किसके तौर पे एमिटर के, ये इस वक्त एक्स टू के साथ कनेक्ट किया तो ये एमिटर के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो एमिटर के तौर पे एक्ट करेगा। हमें पता है कि किसी भी सर्किट में अगर आपने रेजिस्टेंस को करंट को मेयर करना हो तो करंट, हमें पता है कि वोल्टेज को मेयर करना हो तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता। एमिटर को अगर आपने करंट को मेयर करना है तो एमिटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं क्योंकि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता। हमने यहाँ पे सीरीज में एमिटर लगा दिया। एमिटर को अगर आपने बनाना है तो हम क्या करते हैं, एमिटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जो है वो लो वैल्यू रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, आर एस। तो जब आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त ये पूरी अरेंजमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एमिटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको किसी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। अगर आप फंक्शन स्विच को एक्स टू के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये एमिटर में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, एक रेंज, अब ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस अगर आप पैरेलल में आर वन आर टू आर थ्री रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, पैरेलल में लगाने से क्या होगा, ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस है जिसको शंट रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो अगर आप जो है वो यहाँ पे रेंज स्विच को एक्स टू से 5 mA वाली रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर के साथ आर वन कनेक्ट है, आर वन कनेक्ट होगा। इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हम कितनी कितना करंट मेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 mA, ठीक है, और इसके साथ ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अगर आप यहाँ पे रेंज स्विच जो है उसको यहाँ पे 50 mA यानी कि R2 के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर के साथ R2 कनेक्ट है, तो इस केस में गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो गया, एमीटर में, लेकिन उसकी रेंज चेंज हो गई है। अगर आप रेंज स्विच को R2 की बजाय R3 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर और R3 ये पैरेलल में है, ये शंट रेजिस्टेंस है, उस वक्त गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो गया है, ये एमीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसकी मदद से हम करंट को मेयर कर सकते हैं, ज्यादा वैल्यू वाले करंट को मेयर कर सकते हैं। ये एज ए एमीटर के तौर पे यूज हो रहा है। रेजिस्टेंस मेयरिंग पार्ट जिसे ओममीटर भी कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले टॉपिक में। अगर आप फंक्शन स्विच को X3 के साथ कनेक्ट करते हैं, शुरू में हम पढ़ा है, अगर हम फंक्शन स्विच को X3 के साथ कनेक्ट करते हैं, ये एज ए ओहममीटर के तौर पे एक्ट करेगा। और अगर ये ओहममीटर के तौर पे एक्ट करता है तो हम फंक्शन स्विच को X3 के साथ कनेक्ट किया, ओहममीटर के पार्ट हमें पता है एक बैटरी होती है, एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होती है और साथ में गैल्वेनोमीटर है, इनको आपस में क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसके साथ अननोन रेजिस्टेंस जिसको आपने मालूम करना है। चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो सर्किट में हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, हमारे पास जब डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे उस वक्त मैक्सिमम करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो उस वक्त रेजिस्टेंस क्या होगी, वो जीरो। दूसरे वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, ये जो सी और डी टर्मिनल हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं इनको आपस में ओपन रखते हैं, ओपन रखेंगे, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट जीरो होगा, रेजिस्टेंस क्या होगी, वो इनफाइनाइट होगी। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम कैलिब्रेशन आ गई। उसके दरमियान चौथा तीसरा स्टेप क्या होता है, इनके दरमियान नॉन रेजिस्टेंस कोई कनेक्ट करके उसकी मदद से हम रिफ्लेक्शन को मालूम कर लेते हैं कि लेट से 10 ओहम पे कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है, फिर हम 20 ओहम पे डिफ्लेक्शन मालूम कर लेंगे, 30 पे, वो हमारे पास एक पूरी स्केल पे जो रेटिंग आ जाएगी। और फिर आप अननोन कोई भी रेजिस्टेंस लगा के उसको मालूम कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू डिफ्लेक्शन के बाद वो मेयरिंग स्केल के मुताबिक कितनी आ रही है। तो ये हमारे पास ओहममीटर का टॉपिक था, एवोमीटर का ओहम वाला पार्ट है। तो इस तरह से एवोमीटर को जो है वो वोल्ट मीटर, अम्पेयर मीटर और साथ में ओहममीटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका लास्ट पार्ट है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर बेसिकली एवोमीटर ही है, लेकिन इसमें जो रीडिंग है वो डायल पे आने के बजाय इसमें, उसमें डायल पे आती है, इसमें क्या करते हैं, इसमें डिजिटल वर्जन है बेसिकली एवोमीटर का, इसमें डिजिट्स में जो वैल्यू आती है। लेकिन इसका एक और पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है, इसमें जो वोल्टेज है उसकी डेसिमल के बाद भी रीडिंग हमें शो हो रही होती है, और साथ में ये उसके यूनिट्स भी बता रहा होता है, डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू भी बता रहा होता है, पोलैरिटी भी बता रहा होता है कि एसी है या डीसी है। तो ये तीनों इसके बेनिफिट्स हैं कि ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये तीन पॉइंट्स तीनों को यहाँ पे हमें बता रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और ये इजी टू यूज़ है। इसकी मदद से हम ह्यूमन एरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट किया हुआ है, और पोर्टेबल है, आप उठा के किसी भी जगह जा सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली फंक्शन ये उसी तरह से करता है जिस तरह ऊपर हमने इसका प्रिंसिपल बताया हुआ है। अगर इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लास्ट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।